नमस्ते प्रणाम महादेव। और आज मैं हूँ जौनपुर में, वो भी अपने मित्रों के साथ। ये हमारे दिव्यांशु और ये हमारा मनोज। ये दिव्यांशु भी, मैं मनोज, और मैं पहली बार आ रहा हूँ इस ब्लॉग में। और मनोज कैसा लग रहा है यार? बहुत ऑसम लग रहा है। और हमारा दोस्त नौशाद अभी मिसिंग है, अजीत भी नहीं है, बट अभी हम चल रहे हैं जौनपुर के किला में। तो आज हम जौनपुर भ्रमण करेंगे, जौनपुर घूमेंगे, किला जाएंगे, सद्भावना पुल जाएंगे, और जौनपुर में जो जो चीज़ें वो एक्सप्लोर करेंगे। चलिए से बताओ ये क्या है? ये स्नान गृह। कैसे सब लोग हमारे गाइड जी? गाइड जी बताइए। खड़े रहते थे कि अंदर कोई ना जाता है, पर आराम से बैठ के सब स्नान करते थे। चारों तरफ दासियां, स्विमिंग पूल, ये यहाँ पे स्नान करता। चीता कहते हैं हमें। दिव्यांशु एक छेद के बारे में बताने वाला है जिसमें ये गुस्सा करता था। बताइए ये क्या है दिव्यांशु? ऐसा कुछ छेद नहीं है कि भाई बचपन में खेलने की जगह थी, छुपम छुपाई हम लोग आते तो यहाँ खेलते थे। इधर से भाग जाओ, उधर छुप जाओ, एक बार जाके देखो। ये सीन में दिव्यांशु पहले किया करता था, तो आज मुझे डर के बारे में दीवार ढकेल रहा घूम लिया। तो यही है किला जौनपुर का छोटा सा, और बाकी दिव्यांशु का तो घर है। और मनोज को, मनोज से पूछो, मनोज बताओ कॉलेज के दिनों में क्या क्या किया तुमने? अपना बर्थडे यहीं पर मनाया था उसको। कैसा यादगार अपना बर्थडे यहीं पर मनाया था उसी वहां पे, वहां बैठ के हम लोग रोए थे। याद कर लो दोस्तों, हमारे जी भी है पीजे, नौशाद, अजीत, सब लोग याद करो किधर बैठे थे। वहां पे अमन बैठा था और मनोज की रुलाई हुई थी, प्लस रुलाई। तो दिव्यांशु अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम
हम लोग भूलभुलैया 3 देखने जा रहे हैं केवल पैलेस में, केवल डीडी पैलेस में। फूल भुलैया 3 टन टन टन। ओ भाभी आपके गले में क्या है? भूल भुलैया पिक्चर हम लोगों ने देख लिया और रिव्यू जानते हैं कैसा लगा हमारे दोस्तों को भूल भुलैया। तो यार भूल भुलैया 2 ज़्यादा सही अच्छी थी और भूल भुलैया 1 भी ज़्यादा अच्छी थी। भूल भुलैया 3 थोड़ा सा कमी लगी हमें, लेकिन स्टोरी बहुत अलग, कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था, अच्छी नहीं थी, थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था और ना ही ज़्यादा कॉमेडी थी ना ही ज़्यादा हॉरर थी, तो टाइम पास थी बस, अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं था। हाँ ये तो है, नींद आ रही थी हम लोगों को। तो चलिए मूवी छोड़ते हैं, जौनपुर दर्शन करते हैं। अब हम वहाँ पहुँचे हैं छोटी काशी, यानी भी यहाँ पे भी घाट डेवलप किया गया है जो कि गोमती नदी के किनारे है, वो देखिए। मनोज सालों बाद मंचूरियन राइस काटने आए हो तुम जौनपुर की धरती पे। जौनपुर की धरती पे सालों बाद फिर से आना हुआ यहाँ पर, एक बार मेरा तो यार रेयरली एक बार और आया हूँ, बट ऐसा दोस्तों के साथ खाने वाले का कोई ऐसा सीन हुआ नहीं, काफी टाइम बाद लास्ट बार रहा है, सच्चा था कुछ अलग तो लास्ट बार आपको कैसा लगा? हम नहीं थे जो भी था, रेस्टोरेंट आप जौनपुर आ रहे हैं तो मंचूरियन राइस जरूर काटें क्योंकि ये सबसे फेमस चीज़ है कि जौनपुर में, तो भी हम लोग खाएंगे। राइस काटने का समय आ गया। ये हमारा मंचूरियन राइस और ये यहाँ की शेजवान चटनी, एक बार खाइए बार बार जाएंगे तो ज़्यादा ही टेस्टी होती है। मनोज कैसा लगा इतने सालों बाद? यार बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, इवन काफ़ी टाइम के बाद ऐसा मिला, मज़ा आ गया ना बहुत दिन बाद। नौशाद के लिए दो सब, नौशाद भी क्या ही बताओ, कुछ बोलेंगे तो यार नौशाद लेकिन गलत भी यार, बहुत मिस किए नौशाद, अगर आए होते तो तुम्हें भी अच्छा लगता, देखो यार व्यू कितना अच्छा है यहाँ का गोमती का।